दिल्ली के साउथ एक्स पार्ट टू के एक रेस्टोरेंट कम बार के अंदर आग लग गई। जी हाँ, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साउथ एक्स पार्ट टू की, जहां पर माइक ड्रॉप रेस्टोरेंट एंड बार के अंदर दोपहर तकरीबन 1 बजे करीब भीषण आग लग गई। दमकल की एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने जो है आग पर काबू पाया, लेकिन आग कितनी भयानक है आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरीके से आग ने एक विकराल रूप धारण किया, जिसके बाद घंटों की मशक्कत करने के बाद फायर कर्मचारियों ने आखिरकार आग पर काबू पाया। और वहीं राहत की बात यह रही कि इस आग में कोई भी हताहत नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से पौश इलाके में जहां आग लगी, वहीं पर रेस्टोरेंट के साथ साथ कई सारे शोरूम है और पेट्रोल पंप है, और सड़क किनारे बने इस रेस्टोरेंट के अंदर क्या फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, ये सब एक जांच का विषय है। लेकिन शुरुआती तौर पर यह पता चल रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग कितनी भयानक है आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड को तकरीबन कई घंटे मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। आइए देखते हैं कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। भाई साहब, क्या घटना हुई है यहाँ पे? ये आग लगी सर इसमें। किस रूप में लगी है? अंदर माइक ड्रॉप बार है, बियर बार। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। कहाँ पे है ये? ये साउथ एक्सटेंशन पार्ट टू में। कितनी बड़ी आग है? और ये बहुत बड़ी आग है सर, बहुत ही बुरी तरीके से आग लगी है, और कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट है। और कितने देर से आग बुझाने का काम हो रहा है? पौना घंटा हो गया, पौने घंटे ज़्यादा। किसी को चोट वोट नहीं? नहीं नहीं। अंदर क्या किस तरह का काम था? अंदर जैसे रेस्टोरेंट होता है, बार होता है, बियर बार टाइप होता है, वो था। डिवीजन ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा। मनोज जी, कितने बजे की कॉल मिली थी और कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं? ये 12:45 पे हमें कॉल मिली थी, सफदरजंग का एरिया है। इनिशियल टर्नआउट पे 4 गाड़ियाँ भेजी थी, फिर पता चला कि यहाँ पे स्मोक वगैरह है, अंदर एंट्री नहीं हो पा रही थी, तो कैटेगरी अप कर दी गई मेक 6, और उसके बाद 14 गाड़ियाँ भेजी गई। अब फायर कंट्रोल में है और अगले आधा घंटे में बुझ जाएगी। क्या वजह पता चल रही, किस वजह से लगी? नहीं, अभी ये नहीं पता चला, ये मैटर इन्वेस्टिगेशन का जो पुलिस करेगी। अच्छा, क्या है चलता था यहाँ पर, क्या चीज़? यहाँ पे बियर बार बता रहे हैं, बाकी जब कंप्लीट एस्टिब्लिश हो जाएगी तो हम जाके सर्च करके पूरा तब बताएंगे। अभी तक कोई कैजुअलिटी? अभी तक कोई रिपोर्टेड नहीं है, बाकी जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे। लगभग कितने देर में ऑपरेशन चला और कौन से इक्विपमेंट लाए गए? नहीं, लगभग फायर टेंडर ही हमारे और ब्रांटो स्काईलिफ्ट, और 4 घंटे लगभग होने को है, और अब बुझ जाएगी।